एसआरएन फिल्म प्रोडक्शन और न्यूज इंडिया 24 और जनग्रामीण पत्रकार संघ की ओर से ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, जो कि विदर्भ गौरव पुरस्कार के नाम से हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं। ये सम्मान जो हम कर रहे हैं, विविध क्षेत्र के आने वाले लोगों का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी, पुलिस, डॉक्टर्स, पत्रकार, छायाचित्रकार, ऐसे लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं, जो समाज सेवक है उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुख्य उपस्थिति के रूप में श्री नितिन जी गडकरी, केंद्रीय मंत्री, और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उसके बाद में चंद्रशेखर जी बावनकुड़े जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उसके बाद आमदार जो हैं मोहन जी मते, कृष्णा जी खोपड़े, प्रवीण जी दटके, हमारे जिलाधिकारी जो हैं विपिन जी ईटनकर, पुलिस आयुक्त श्री रविंद्र जी सिंघल, ये सब इनकी सभी मान्यवरों की मुख्य उपस्थिति रहेगी। और बाकी प्रोग्राम के बारे में हम हमारे जो आयोजक हैं साथ में सागर निगम, वो कुछ जानकारी आपको देंगे। पुरस्कार हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जिन्होंने अपने विविध क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में उचित कार्य किया हुआ है, या फिर जिनका नाम है। कुछ इसमें ऐसे लोग हैं कि जो हमारे यानी जिन लोगों ने एकदम गरीब लोग थे और उन लोगों ने हमारे भारत का नाम भी ऊंचा किया। नागपुर से भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे विदर्भ से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में रोशन किया हुआ है। ऐसे लोग हम लोगों ने 4 से 5 महीने पहले हमारी टीम ने सर्च किया, उसमें से जो लोग यानी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जिन लोगों ने वो मुकाम हासिल किया, वैसे लोगों को ढूंढ कर निकाला। और उनको ढूंढ कर निकालने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनके ऊपर सर्च किया, सर्च करने के बाद में डिसाइड किया कि इन लोगों को ये पुरस्कार देना चाहिए। हालांकि ये पुरस्कार विदर्भ गौरव नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पुरस्कार हम पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दे रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र में हमारा विदर्भ, हमारे विदर्भ का नाम वहाँ तक पहुँचे, हमारे विदर्भ में किस लेवल के प्रोग्राम होते हैं ये वहाँ तक पहुँचे, हम विदर्भ वाले क्या कर सकते हैं ये महाराष्ट्र को, पूरी इंडिया को दिखाना चाहिए।